अब तो डर इतना बैठ गया है कि इच्छा ही नहीं होती हेलमेट भी उतारो। वहीं जाके उतारेंगे, वहाँ पे मास्क तो पहना ही अपन ने। ओके, ये सारे इंडियन मेड है प्रोडक्ट। ओके, हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी। लौट आया हूँ अपने नए एपिसोड के साथ और फिलहाल मैं जा रहा हूँ 10 नंबर एरिया। तो देखते हैं आज क्या माहौल होता है, कैसे हो आप लोग, और चलो देखते हैं आज क्या होता है सीन। तो अभी तो थोड़ा बहुत आंधी तूफान टाइप का लग रहा है माहौल, धुआं धुआं टाइप, धुआं नहीं मतलब धूल उड़ रही है यार, पता नहीं क्यों उड़ रही है धूल। मौसम भी लग रहा है बारिश होगी आज तेज, लेट्स सी क्या होता है। मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश कहीं ना कहीं अच्छी भी है खेतों के लिए, किसानों के लिए, बट ये है कि अब देखते हैं क्या होता है, बस वही बात है। आज 10 नंबर से कुछ सामान भी लेना है मुझे, और एक चीज़ प्लान की है कि ज़्यादातर चीज़ें जितनी भी मैं लूँगा वो कोशिश करूँगा मेक इन इंडिया, मतलब जो मोदी जी भी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमी गिर गई है हमारी, उसे वापस अगर हमें ठीक करना है तो हम सभी को चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करने हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं सब इंडियन ब्रांड की खरीदने का प्रेफर करना है। ऐसा नहीं है चाइनीज़ बॉयकॉट करना है तो आप USA के ब्रांड में चले जाओ, कोशिश करो कि जितना हो सके आप इंडिया के प्रोडक्ट खरीदो, क्योंकि जब तक आप इंडिया के प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तब तक इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। जब तक इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स उससे ज़्यादा डिमांड नहीं दे पाएंगे, जब तक आप डिमांड नहीं दोगे तब तक वो सप्लाई नहीं देंगे, तो ये चेन कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो अगर आप चाहते हो इकोनॉमी में आप अपना हिस्सा दो, तो एज अ इंडिविजुअल एक एक इंसान जब करता है ना तभी चीज़ें चेंज होती है। एंड मैं एज अ इन्फ्लुएंसर चाहता हूँ कि खुद भी सारी चीज़ें इंडिया की अब प्रेफर करूँ। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उठा के फेंक देना है, नहीं ऐसा कोई नहीं कह रहा, बट आगे जो चीज़ें आप खरीद रहे हो कोशिश करो वो सारी इंडिया से रिलेटेड हो। एक बार सर्च करने में गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं, और पता करने में कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ का है, तो कोशिश करो जितनी चीज़ें हैं सब इंडिया की मेड हो, और आप इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, सो दैट यू कैन कॉल योरसेल्फ अ प्राउड इंडियन। बाकी लाइफ रोटेशन में आ चुकी है, बस सब मास्क पहन के घूम रहे हैं। बाकी सड़कों पे बहुत सारे वाहन तो आपको दिख ही रहे हैं, वो देखो भाई को बाइक पे है तो मास्क नहीं पहना है और हेलमेट भी नहीं पहना है, मतलब मास्क टांग के रखा है गले पे ताकि गले को इन्फेक्शन ना हो। अरे ब्रो समझो बात को, अगर कोई ठीक देगा, इन्फेक्शन कोरोना का हवा में रहता है कुछ देर तक, ये प्रूव हो चुका है। मास्क इसलिए यूज़ होता है ताकि आपको कहीं और की हवा ब्रीथ ना करो, मास्क इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अगर ठीक हो और आप इन्फेक्टेड हो तो वो वहीं कंटेन रह जाए और किसी तक ना जाए। तो ये मत समझो आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, भाई मास्क पहनो, ज़रूरी है मास्क पहनना, मैं खुद भी पहन रहा हूँ मास्क, इवन ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरा काम पूरे टाइम बोलने का है, हेलमेट के अंदर वैसे ही सफोकेशन हो रहा है। इट्स नॉट ईजी गाइस, इट्स नॉट एट ऑल ईजी, बट द थिंग इज़ कि मैं अपनी साइड से एफर्ट लगा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ ट्रू यू नो इंडियन। अगर आप लोग भी अपने देशभक्ति रखते हो ज़रा सी भी दिल में, तो यार इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन मास्क पहनो भाई। मैं बाइक के हेलमेट के अंदर मास्क पहन के व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लाइक इट्स वेरी ह्यूमिड टेम्परेचर ओवर हियर, यहाँ पे इतना ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है, बट स्टिल मैं पहना हुआ हूँ। तो यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो आई गेस। तो ये आ गए अपन कोलार चौराहे तक, अब राइट जाना है अपन ने। क्या तेजी में जा रहे हैं अंकल,
पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, तो देखो कितनी सारी गाड़ियां बाहर खड़ी है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक रुकता है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है, कितनी बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के कारण। तो ओनर्स को समझना चाहिए, थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी है भाई, आगे थोड़ा पार्क कर दो। यहाँ पे वो जो 56 भोग है जहाँ कोलार चौराहे से अपन ने टर्न लिया है, वहाँ काफ़ी जगह खाली है, वहाँ पार्क कर दो। थोड़ा बहुत वॉक करना भी ज़रूरी है। ये इसने बाइक बाइक से जस्ट दबाई और उसके बाद वो स्माइल दे रहे हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आया ये चीज़। खैर ठीक है, गंदी हो रही है यार यहाँ की, बहुत ही खराब रोड हो रही है। बारिश में पेड़ वेड़ की छटाई हो रही है, अभी छटाई का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा, अभी अमेज़ॉन से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है, जब वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें, उनके अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बना के तैयार करूंगा, जिससे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो लेट्स सी, 3-4 दिन में आएगी, कल ही रात को ऑर्डर किया है मैंने प्लेस, अब तो शिपिंग भी सारी चालू हो चुकी है। तो यार अगर कुछ भी ख़रीद रहे हो तो ध्यान रखो, बस किसी से टच में मत आओ, कोशिश करो हर चीज़ का रूल को फॉलो करोगे तो सेफ रहोगे यार। आपका दुपट्टा भी इसमें जाएगा। कर रहे हो तो भाई बहुत देख के करो अभी तो, क्योंकि एरियाज पहले तो रटे हुए थे, कहाँ की सड़क कैसी थी, लॉकडाउन में तो पता भी नहीं है कि कहाँ की सड़क बन गई है, कहाँ गड्ढे हैं। पहले तो हर एक गड्ढा नफा हुआ था, मतलब वहाँ ऑटोमेटिकली गाड़ी जाके ब्रेक लग जाएगा, ऐसा सीन हो गया था। और हर इंसान के साथ हो ही जाता है अगर रोज एक ही रोड पर घूमो आप लोग तो, लेकिन अभी नफा तुला नहीं है तो भाई देख के चलाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। और ऐसे बम्प हो रही है भाई, इतनी अजीब रोड हो रही है, देखो कुछ टाइम बाद कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। ये देखो गड्ढे वड्ढे हैं यार, यहाँ तो बहुत देख के चलना पड़ रहा। बाइक ज़रा पार्क कर दें अपन, फिर चल रहे हैं। अब तो डर इतना बैठ गया है कि इच्छा ही नहीं होती हेलमेट भी उतारो। वहीं जाके उतारेंगे, वहाँ पर मास्क तो पहना ही अपन ने। देखो ऑड इवन बेस पे दुकानें खुल रही हैं यहाँ की, कल इतनी शॉप्स नहीं खुली थी, आज खुल गई हैं सारी। तो भैया की दुकान कहाँ है अपने, यहाँ पे आप आ सकते हो जहाँ मैं जा रहा हूँ, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे चीज़ें मिल जाएगी। ओके आ जाओ आ जाओ। तो ये दोनों शॉप भैया की हैं जी। कैसे हो भाई? बस सब बढ़िया। तो भाई आप सब टाइप के ब्रांड्स रखते हो यहाँ पे? सारे टाइप्स के ब्रांड रखते हैं। तो आप जैसे अभी मेड इन इंडिया चल रहा है, और जैसे मैंने आपसे इतना सारा सामान खरीदा जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे भी नहीं पता था कौन से प्रोडक्ट इंडिया के हैं, तो मैंने कोशिश की कि जितना हो सके सर्च करके हम लोगों ने, जैसे आपने भी मेरी हेल्प की कि कौन से प्रोडक्ट इंडिया के हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपके यहाँ काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो बाहर की कंपनी के हैं, तो आप कैसे लोगों को प्रमोट करते हो इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आप क्या कहना चाहते हो जनता से? अल्टीमेटली तो हम लोग सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं कि आप इंडियन ब्रांड्स बाय करें, बाकी okay. तो हमें तो यार डिमांड को मीटअप करना, हमें तो सारे ब्रांड रखने पड़ते हैं, राइट, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो। ओके अब अल्टीमेटली तो आपकी चॉइस रहती है, राइट, और आपको इंडियन ही बाय करना चाहिए, बिकॉज अगर अपन इंडियन बाय करेंगे ना अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी, अपने लिए फायदा, राइट।
तो कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि अगर लोगों की डिमांड नहीं आएगी तो आप फिर अगर जैसे लोग डिमांड करेंगे बाहर के प्रोडक्ट तो आपको सप्लाई करना पड़ेगा मजबूरी में, बट ये है कि अगर लोग इंडियन प्रोडक्ट डिमांड करना चालू कर देंगे तो फिर आप इंडियन ज्यादा प्रमोट करोगे राइट, एंड फिर उस वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी कहीं ना कहीं। चलो थैंक यू सो मच, और आपने काफी सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मुझे सेल किए और काफी रीजनेबल रेट पे किए। सबसे अच्छी चीज ये लगती है, मैं ऑलमोस्ट 3 साल से ले रहा हूँ, शायद ज्यादा हो गया टाइम उससे भी, बट सबसे अच्छी चीज़ आपके शॉप पे ही लगती है, वैरायटी सारी है और आपके यहाँ लाइक डिस्काउंट्स तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे अमाउंट पे मिल जाता है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। सो गाइस फाइनली शॉपिंग पूरी हो गई है अपनी, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग भी वो चीज़ें फॉलो करो यार, मेड इन इंडिया चीज़ पर ध्यान रखो अपने मन में अपने दिमाग में। कहीं ना कहीं अगर आप लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना चालू कर दोगे, ऐसा नहीं है बॉयकॉट तो चाइना को करना ही है, बट बाकी प्रोडक्ट्स को भी मतलब एक तरीके से यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ताकि इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो। जब इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगा यार, अब मेरा नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, मैं पहले जॉकी पहनता था या केल्विन क्लाइन, बट अभी मैंने चेंज करके उसे ऑन पे ले आया हुआ हूँ। तो इंडियन ब्रांड्स को जितना प्रमोट करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैंने बचपन से जॉकी पहनी है भाई, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर इंडिया की बात आ रही है, इफ़ इट कम्स टू आर कंट्री, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि हम चीज़ों को चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और इंडिया को प्रमोट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपके घर वालों की भी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके मम्मी पापा की, आपकी हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो यार चीज़ों का ध्यान रखो और इसी तरीके से इंडिया को सपोर्ट करते हुए चलो, अपन लोगों को बहुत आगे जाना है और ये जो टारगेट है हमारा, गोल है, वो पूरा करना है, पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया की अलग पहचान बनानी है। तो बस इसी तरीके से साथ रहो यार, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम लोग जितना देख रहा हूँ मैं, कई लोग इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा होगा, जिससे इंडियन ब्रांड्स बहुत सस्ते में हमें अवेलेबल हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए तो इतना ही था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कोरोना से सेफ रहें।